हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है लक्ष्य। लास्ट डे बिफोर एप्पल इवेंट, यहाँ पे कल जो भी लीक्स थे, जो भी एंडर्स थे, सारे के सारे बाहर आ जाएंगे और हम लोगों को मिलेगा हमारा आईफोन 13। ये तो बात हो गई हार्डवेयर की, लेकिन अब हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे सॉफ्टवेयर की। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि iOS 15 हम लोगों को कब देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं बस ये वाला फोन है, ये वाला है, अपग्रेड करूं ना करूं, क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, और कौन से मॉडल जो हमारे यहाँ पे कंपेटेबल है iOS 15 के साथ। सारा कुछ मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। iOS 14 को हम लोग जो है बाय बाय टाटा करने वाले हैं। यहाँ पे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पे iOS 14 जो है यहाँ पे लास्ट डे नहीं होने वाला आज। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि एप्पल जो है कल के इवेंट में iOS 15 की जो है रिलीज डेट निकालेगा। यहाँ पे 24 सितंबर को हम लोगों को जो है यहाँ पे iOS 15 देखने के लिए मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि नए फोन्स में जो हम लोगों को नया चमचमाता iOS 15 देखने के लिए मिलेगा। तो उससे पहले एप्पल को जो है सभी के लिए iOS 15 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है 17th of September 14 सितंबर ट्यूसडे को जो है हम लोगों को यहाँ पे जो है इवेंट मिल रहा है, और 17 सितंबर को iOS 15 रात को 10:30 बजे हम लोगों को जो है हमारे फोन में देखने के लिए मिल जाएगा। iOS 15 यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़िया मजेदार कमाल का होने वाला है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स मिल रहे हैं। बहुत बड़ा अपग्रेड भी नहीं है iOS 15, बट स्टिल नया हम लोगों को यहाँ पे सॉफ्टवेयर मिल रहा है, क्योंकि पूरे साल एप्पल सेम चीज चलाता है, छोटे मोटे जो है इंटरनल अपडेट्स रहते हैं, लेकिन जो iOS 15 जो पूरा ईयर अपडेट रहता है वो बहुत सारे चेंजेस लेकर आता है। हम लोगों को नए इमोजीज देखने के लिए मिलने वाले हैं, फेस टाइम हम लोग एंड्रॉइड यूजर्स के साथ कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग जो है शेयर स्क्रीन कर सकते हैं जैसे हम लोग जूम वगैरह में करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें निकल के आने वाली है। सफारी का जो है यहाँ पे URL टैब चेंज होने वाला है, सफारी चेंज होने वाला है, सेटिंग्स का UI चेंज होने वाला है हम लोगों को यहाँ पे, होम स्क्रीन में भी थोड़े बहुत चेंजेस हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, और भी बहुत सारी चीजें iOS 15 के ऊपर हम लोगों ने वीडियो बनाई है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, जाके देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि कौन से डिवाइस यहाँ पे कंपैटिबल है iOS 15 के साथ। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था यहाँ पे जो है iPhone 12 तो पूरी सीरीज रहने वाली, iPhone 13 भी रहने वाली, और लास्ट में यहाँ पे जाएगा हमारा iPhone 6s तक, और आईफोन SE भी यहाँ पे रहने वाला है। मतलब जो है आईफोन SE और 6S, देख लो 6 नहीं है यहाँ पे, जो S है ना, S और स्पेशल एडिशन वाले फोन, वो दोनों यहाँ पे जो है iOS 15 रहने वाले हैं। बाकी जो है सारे मॉडल्स हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। आईफोन 6 नहीं है, उसके ऊपर सारे मॉडल्स iOS 15 से कंपैटिबल है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है बैटरी ड्रेनिंग इशू का। iOS 14 में हम लोगों को बहुत सारे बैटरी ड्रेनिंग इशूज देखने के लिए मिले। तो अब आपको कौन सा मॉडल, आपके पास कौन सा मॉडल और कौन से मॉडल पर आपको जो है अपग्रेड करना चाहिए, तो मेरी मानो यहाँ पे जो है डेफिनेटली iOS 15 के फोन कहीं ना कहीं स्लो डाउन होते हैं। वो डिपेंड करता है कौन सा फोन और कौन से फोन पे जो है एप्पल किस तरीके से iOS 15 को पुश कर रहे हैं। तो मेरी आपको सजेशन रहेगी, अगर आपके पास iPhone 10 सीरीज से ऊपर है तो आप लोग आसानी से जो है iOS 15 पे अपग्रेड कर सकते हो। iPhone 6 वगैरह पे बिल्कुल भी मत करना, जो 6S वगैरह है, 7 है, उसमें बिल्कुल भी मत करना। 8 पे आप फिर भी कर सकते हो, और 10 सीरीज पे कर सकते हो, 11, 12 पे कर सकते हो। 6S वगैरह पे जो आपका फोन बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। अभी जो है मैंने अपने iPhone 6S पे iOS 14 किया हुआ था, तो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे फोन हो गया था। तो इसलिए हमें बेटर यही है कि आप जो है iOS 15 मत करो, बहुत बड़ा चेंज भी नहीं है। iOS 14 कर रखा है, उसी पे स्टेबल रहो, और जो अपडेट जब तक फोन चल रहा है तब तक आप उसको जो है यूज कर सकते हो। बस एक दिन बचा है, सारी अनाउंसमेंट वगैरह सब कुछ बाहर निकल के आ जाएगा। iOS 14 का आज कोई भी जो है यहाँ पे लास्ट डे नहीं होने वाला। और लास्ट चीज, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या बैटरी ड्रेन इशू यहाँ पे फिक्स होगा iOS 15 में। 100% फिक्स होगा, फोन स्लो भी होगा, मैंने एक वीडियो बनाई है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे जो है हम लोगों को बैटरी ड्रेन तो पक्का फिक्स होने वाला है iOS 15 में फॉर श्योर, क्योंकि जितने भी बेटा वर्जन थे यहाँ पे उसमें हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ऐसे देखने के लिए नहीं मिली है। iOS 15 का रिलीज कैंडिडेट वर्जन बस आने वाला है, और एक दिन में हम लोगों को रिलीज कैंडिडेट मिल जाएगा, और फिर फाइनल वर्जन यहाँ पे पुश कर देगा एप्पल। यही थी मेरी आज की वीडियो, आप लोगों को अपडेट देना था। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल मिलते हैं आप लोगों से एप्पल इवेंट के बाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।